This program is sponsored by Orient Best Solutions Private Limited. Best are smart, we are smarter. Co-sponsored by Nirman Concrete, the complete concrete solution. Co-sponsored by Shimla Biryani, Swad Zindagi Ka. পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম বিরোধী দলের বিপক্ষে তীব্র আক্রমণাত্মক বক্তব্যে বলেন, কংগ্রেস আজ সিপিএম এর সাথে হাত মেলানোর চেয়ে আত্মহত্যা করা অনেক শ্রেষ্ঠ। এছাড়া তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কেন্দ্র করে বলেছেন, পুলওয়ামা জঙ্গি হামলায় মোদি রুখতে পারেনি কেন, এবং আজহার মসুর, নীরব মোদি, মেহুল চোকসি, বিজয় মালিয়াকে দেশে ফেরাতে অসফল কেন। নিউজিল্যান্ডে জঙ্গিদের হামলায় 350 জন মৃতদের শ্রদ্ধা জানাতে কারি আহমার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 18 মার্চ প্রেস ক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল। অল ইন্ডিয়া উলমা বোর্ডের ভারতীয় সভাপতি শেখ গোলাম রব্বানি মৃতদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সমাজে শান্তি বজায় রাখতে অনুরোধ করেছে। দেখিয়ে হামারে মকসদ ইহি হ্যায় কি পিস আর কমন হারমনি জো হামারে মুলক কা জো পরম্পরা রাহা হ্যায়, जो पूरे दुनिया में इम्प्लीमेंट है, पीस, अमन, शांति, प्यार, उसी के सिलसिले में तमाम मज़हब के पेशवा धर्मगुरु आके हम लोगों ने ये प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश की, वो मैसेज सोसाइटी तक पहुंचाने की कोशिश की। देखिए सदगुरु की एक बात मुझे याद रहेगी ज़िंदगी भर। सदगुरु ने एक बात कही थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मैंने उसमें सुना था। सदगुरु की एक बात थी कि जब इंसान ज़मीन के लिए लड़ता है तो वो सुलह हो सकता है, पैसे के लिए लड़ता है सुलह हो, ताकत के लिए लड़ता है सुलह हो सकता है, जब मज़हबी लड़ाई होती वो सुलह नहीं होता। क्यों ना कि उसको मिस इंटरप्रेट करके दिखाया जा रहा है सोसाइटी में। एनीवे अभी हम लोगों ने एक शुरुआत की है और एक पीस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और मेरे ख्याल से ये अच्छा मैसेज जाएगा सोसाइटी में। और तमाम मज़हब की किताब, जैसे सोफिया ने कहा था एक बात, किसी के मज़हब की किताब में ये नहीं लिखा कि आप मारी के कोई चीज़ को हासिल कर सकती हैं। प्यार, मोहब्बत और वार्तालापी से हर चीज़ ख़त्म होता है। बहुत सी ऐसी बातें पे पीएचडी हो सकता है इस पर, मगर एक मीठी से मुख्तसर बात कहता हूँ कि आप कल्चर को एक्सचेंज करें। देखिए इमिग्रेंट की अभी जो इमिग्रेंट है प्रॉब्लम, मैं भिक्कू साहब के बुद्धि पूर्णिमा में मैं कैंसिल कर दिया अपना जाना, मैं 17 तारीख को इनका प्रोग्राम में जाएगा। क्यों जाएगा? आई वॉन्ट टू नो वट ही हाउ ही इज़, बिकॉज वी हैव अ बैड, मे बी वी हेयर समथिंग रॉन्ग। जब मैं आँख जाके देखा वो दूसरे लोग हैं, वो मीठे लोग हैं। उसी तरह मुसलमान, अगर कोई चीज़ मिसकंसेप्ट है, आप आए हमारे पास, हमसे मिले, हमें बुलाएं, हर मज़हब के लोगों को बोल रहा हूँ, हमें बुलाएं, हमें जाने, हम इनको जानते हैं, तो आज हमारा इनसे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमको पता दादा ये खाना नहीं खाता, हम वो बनाते ही नहीं घर में, तो फ़र्क आ जाता है। दैट वी कॉल कल्चरल एक्सचेंज। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ कारी अहमर फाउंडेशन के डायरेक्टर जनाब जैद अनवर साहब ने किया, ये एक बहुत ही दर्द और दुख के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। जो हादसा न्यूज़ीलैंड के दो मस्जिदों में हुआ है, उसके लिए हम लोग बहुत ही दुखद हैं, बहुत ही दुखी हैं। और ये हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किए हैं कि कल को ये मैसेज यहाँ से इस प्रेस क्लब के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के अवाम, पूरे दुनिया के अवाम के पास ये जाना चाहिए कि टेररिज़म का, दहशतगर्दी का कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता है। जब कोई मुसलमान मारता है तो वो भी एक दहशतगर्द है, कोई हिंदू अगर मारता है किसी को भी बिला वजह किसी नहीं होता है। तो आज ये क्रिश्चियन माना गया है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि आज पूरी क्रिश्चियन कौम ख़राब है, पूरी क्रिश्चियन कौम में दहशतगर्दी है। एक बच्चा अगर ख़राब निकल जाता है तो उसके लिए हम पूरे ख़ानदान को हम पूरे ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। तो इस चीज़ से ये जो आज न्यूज़ीलैंड में हुआ है, हम लोग ये चीज़ हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि आज दुनिया में किसी भी धर्म की जगह, मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, बुद्धिस्ट का मोनेस्ट्री हो, आज सेफ नहीं है, आज सेफ एकदम भी नहीं है। तो इसका स्टेप हम ही लोग ले सकते हैं, इसका एक प्रिकॉशन हम ही लोग ले सकते हैं। जो हम लोग एक कहावत हम लोग स्कूल में पढ़े थे कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसका सबसे बड़ा प्रिकॉशन यही है कि आज से, अभी से, इसी वक्त से, इसी पल से हम लोग ये आज प्रण ले लें। हम लोग आज यहाँ पे एक सिद्धांत ले रहे हैं कि हम लोग आने वाले जनरेशन को हम लोग ये नहीं सिखाएंगे कि आप जाति और धर्म से नहीं मिलें, सबको मिलकर रहें। ये हिंदुस्तान है, ये दुनिया है, ये दुनिया में हम लोग सब एक जगह जब आए थे तो हम लोग किसी का धर्म का नहीं थे, तो हम लोग धर्म को बांटा गया है। तो ये धर्म को हम लोग आने वाले जनरेशन को नहीं बांटे,
इस चीज़ का मैसेज यहाँ से दिया गया है। और ये चीज़ जो आज न्यूजीलैंड में हुआ है, ये हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सारे दुनिया के प्राइम मिनिस्टर से कि आप लोग दहशतगर्दी को ख़त्म करें, टेररिज्म को ख़त्म करें। टेररिस्ट खत्म करने से नहीं, आप एक टेररिस्ट को फांसी दे देंगे, दूसरा टेररिस्ट पैदा हो जाएगा, किसी और धर्म से पैदा हो जाएगा, तो आप उसको क्या ख़त्म करते रहेंगे। हम लोग ये स्टेप लेना चाहिए कि हम लोग टेररिज्म को ख़त्म कर सकें। मेरा नाम शेख गुलाम रब्बानी है, मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का नेशनल प्रेसिडेंट औकाफ का हूँ। देखो ना, सबाई तो शांतिर पक्षर मानुष, हमारा जरा धर्मगुरु और जरा सामाजिक काज करछि सबाई शांतिर पक्षर मानुष। आज के हमारे जायेद अनवर साहेब तार कारी आमर फाउंडेशन पक्ष के क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंडे जे मस्जिदे मध्य हमला हयेछे, 50 जन निरीह मुस्लिम जरा मोनाजात करछेन, नामाज पढ़छेन, से मस्जिदटा पवित्र स्थान, मस्जिद मंदिर गिरजा पैगोडा एगुलो सब पवित्र स्थान, एगुलोर मध्ये सन्त्रासे हमला चलछे। तार आमादेर प्रत्येके अत्यंत कष्टे अत्यंत दुःखेर, एबं जे मानुषगुलो 50 जन मानुष मारा गेछेन एवं तादे परिवारगुलो जे तारा अनाथ हयेछेन, एजन्य आमरा खूब समबेती। सबसे बड़ी बात है कि न्यूजीलैंड का जो वाक्या है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाक्या है, इसको हम लोग किसी भी कीमत पर भरपाई नहीं करेंगे। उसी के मतलब इंसानियत के नाते हम लोग सारे धर्म के गुरु, देखिए हमारे बगल में मोनी महाराज जी हैं, डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्कू महाराज है, जैद अनवर जिन्होंने उनके क्यादत कारी अमर फाउंडेशन के क्यादत में इतनी अच्छी इंतजाम की गई ताकि हम लोग मज़हब को इस हिसाब से देखें कि हम लोग सब इंसान हैं, हम लोग सब बराबर है, कोई छोटे कोई बड़े नहीं है, और इंसान को हम लोग इंसानियत के खातिर काम करें और लोगों से अच्छा अपना प्यार दें। देखिए सबसे पहले तो हम ये जो अटैक हुआ है क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में, ये बहुत ही कड़ी निंदा हम करते हैं, हम ही नहीं सारा समाज, ये कोई भी समाज इसको बिल्कुल नहीं इसे सही साबित कर सकता। और हम यहाँ पर इसलिए एकत्रित नहीं हैं कि हम सिर्फ ये कह सकें कि मुस्लिमों पर अटैक हुआ है हमें ये बता रहा है, नहीं। अगर ये किसी भी धर्म के ऊपर अटैक होता हम उतनी ही ज़्यादा आवाज़ उठाते, उतनी ही ज़्यादा बुलंदी से शोर मचाते कि ये किसी भी तरह के अटैक को हम कड़ी निंदा करते हैं, किसी भी तरह के दहशतगर्दी की हम कड़ी निंदा करते हैं। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेश में भी कहीं पर भी इस तरह के अगर घटनाएं होती हैं तो हमें बस आज हम मीडिया से आप लोगों से बस यही निवेदन करते हैं कि अभी खासकर आज के जनरेशन में टेक्नोलॉजी और मीडिया जहां पर नफरत फैलाने का काम करती है, वहीं मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप इस माध्यम से, हम यहाँ पे मौजूद हैं कि हम इस माध्यम को, इस मीडियम को यूज़ करके हम अपने मैसेज को फैला सकें कि कोई भी मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, और हमारी आवाज़ दूर दूर तक फैले, देश विदेश तक फैले। पे तो इंडिया के जो मुसलमान हैं वो तो टेररिस्ट नहीं ही हैं, लेकिन बाकी जो देश विदेशों में भी जो मुसलमान हैं वो बिल्कुल भी दहशतगर्द नहीं हैं। हाँ, ये इत्तफाक ज़रूर हो सकता है कि उनके नाम मुस्लिमों से मिलते होंगे, कुछ दो चार लोग जो पकड़े जाते होंगे वो हमें नहीं पता वो किस किस धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम, हमारा कोई, हमारा सिर्फ इस्लाम नहीं, हमारा कुरान शरीफ नहीं, किसी भी तरह का बाइबल गीता कहीं भी कोई नहीं, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी जानवर को भी मारें, तो इंसान को मारने की तो कोई माने सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मैं एक सोशल कार्यकर्ता भी हूँ। विख्यात तो अभिनेता जन्मग्रहण करे 1940 साले बांग्लादेशेर कुमिल्ला जिले। তিনি তার অভিনয় জগতে শুরু করেন বাংলা সিনেমায়। তার জনপ্রিয় ছবির মধ্যে চার মূর্তি ও গোপী গায়েন বাঘাভাইন চরিত্রে অভিনয় দর্শকের মন ছুঁয়ে যায়। Want to make a bright future in the field of journalism? Join 24 Hours TV Media Classes for better growth and opportunity in media. 24 Hours TV provides crash courses like reporting, desk editing, script writing and anchoring. You can also offer special courses like camera and video editing. At our 24 Hours TV studio at VIP Bazaar, nearest landmark being Vrindavan Garden Marriage Hall. For further queries, contact 6289004356. Now you can watch your favorite channel 24 Hours TV in Hathway, GTPL and City Cable.
বায়োপিক সাধারণ মানুষ থেকে প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠার গল্প। মোদির বায়োপিকে বিবেক ওবরয়ের নয়ই অবতার। পরিচালক উমাং কুমার সংবাদ মাধ্যমে বলেছেন, বহুদিন ধরেই এই ছবি নিয়ে পরিকল্পনা চলছে। বিবেক ওবরয়কে মুভির প্রস্তাব জানাতেই তিনি হ্যাঁ করে দেয়।